कुछ भी कहो एक रब्ता हो गया, कुछ भी कहो एक रब्ता आ गया, सीपी में आकर के कुछ कमाल हो गया, क्योंकि ऐसी लड़कियों से मिलकर के धमाल हो गया। दोस्तों इस CPL, IPL, बिग बैस लीग में बढ़िया विनिंग करना चाहते हो आप, लखपति बनना चाहते हो आप मेरी तरह, तो ये फैंटेसी एप्लीकेशन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, जिसका नाम फैंटेसी पावर 11 है। मैं जब इसकी फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा, जब इसकी एंट्री फीस के बारे में बताऊंगा, तो आप दंग रह जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे इसी ऐप पे खेलना है। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूं इसकी एंट्री फीस। दोस्तों यहां की आप एंट्री फीस देख सकते हो, 520 रुपीज में 1000, ये हेड टू हेड की मैं बात कर रहा हूं। आप जितने भी लीग्स में आप देखोगे, सारी लीग्स में आप बोनस का यूज कर पाओगे और बहुत ही लो एंट्री फीस है। अब जिस भी फ्रेंड को रेफर करोगे उससे भी आपको 25% रेवेन्यू मिलता रहेगा आपके अनयूटिलाइज्ड बैलेंस में, जिससे आप स्मॉल लीग्स, कोई भी लीग्स खेल पाओगे, सारे लीग्स में बोनस का यूज कर पाओगे। यहां का विड्रॉल सिस्टम बेहतरीन है, यहां की सर्विस बेहतरीन है। मैं अपनी जो विनिंग हुई है मेरी अभी तक इस पे, वो मैं आपको अभी शेयर करता हूं। आप देख सकते हो यहां पे मेरी विनिंग्स कितनी बढ़िया यहाँ पे हो चुकी है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैंने अभी तुरंत जस्ट विड्रॉल करा है यहाँ पर और ये मेरे अकाउंट में भी पहुँच चुका है। तो बहुत ही बेहतरीन फ्रेंड्स यहाँ की सर्विस है, आप खेलिए, यहाँ पर हमेशा आपकी विनिंग्स होगी। इस CPL, IPL, बिग बैस लीग में बढ़िया विनिंग कीजिए, रेफर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप रेफर से ही इतने इससे कमा लोगे कि आपको अपने बैलेंस डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज ही साइन अप करें, आज से ही खेलना स्टार्ट करें। हाय गोल्डन हियर, हाय हाय हाय। कुछ लोग छूट तो नहीं रहे? कहाँ से सीधे भाग आए क्या घर से? कहाँ से आई हो? सेक्टर 1 से। तुम सब वहीं से आए हो? एक दो तीन चार पाँच, नाम बताओ। चलो आप पहले स्टार्ट करें। आप? नेहा। धुपिया? अच्छा नहीं, जो भी है। प्रियंका तो उनकी तो नहीं है, निक जोनस वाली प्रियंका, अच्छा वो नहीं हो। तुम? दीपिका। अरे बाप रे, सारी की सारी, ये रणवीर की और ये धुपिया वाली और ये उनकी वाली। तुम? नेहा। हाय हाय। तुम? खुशी। तुम? अर्चना। अर्चना, अर्चना, अर्चना किस क्लास में हो आप? 11th। 11th में आप? मैं? आप? 10th में। सारे 10 में ही हो? हाँ। मतलब लाइन वाइन तो मार नहीं सकते फिर हम? अभी अंडर एज हो ना। बस अच्छा सच बताओ, हम भी बैठ जाते, चलो हम नीचे बैठ जाते हैं लड़कियों से, हम तभी बात करने मजा आएगा। अच्छा ये बताओ क्या करने आए हो यहाँ? किसका बर्थडे? हैप्पी बर्थडे टू यू प्रियंका, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रियंका, हैप्पी बर्थडे टू यू। बैठ जाओ प्रियंका, इन्हीं का है ना, आपका तो नहीं है ना? जिसका होगा हम सबको बोल देंगे, भैया कोई छूटे ना हमसे। तो मस्ती करने आए हो यहाँ पे बस? जस्ट चिल। ये बताओ कौन लौंडा उंडा फांसा है कि नहीं? दिल्ली में लड़कियाँ तो आजकल फांस लेती हैं ना, वो स्टैंडर्ड में जाती हैं तभी 10th में 11th में। तुम दोनों ऐसा कुछ है कि नहीं? सच बताइए, झूठ ना बोलियो। तुम्हारा? तुम्हारा है? बॉयफ्रेंड नहीं बनाया? अभी कभी ट्राई मारा किसी पे, लाइन वाइन मारा ऐसा कुछ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तुम दोनों में से किसी ने? तुम्हारा है? इसका बॉयफ्रेंड है। क्या नाम है? संतोष। घर वाले ठेलेंगे भी संतोष को, पहले से सेट कर लिया पैदा होते ही? नहीं, हाँ। अभी जनवरी मिल गया। हाँ? किसने प्रपोज किया था? उसने कि तुमने? उसने किया था। अरे संतोष की संतोष। अरे मतलब तुम्हारा कोई, तुम तो एकदम पूरा सिंगल। अच्छा बताओ तुम लोगों की सबसे अच्छी क्रिएटिविटी क्या है, क्या पसंद है तुम लोगों को? मुझे डांस पसंद। तुम्हें? मुझे भी डांस। तुम्हें? फैशन। फैशन, चलो ठीक है, हम फैशन वाले तो है ही नहीं है फिर, हमारा तो मामला कट गया। और आप लोगों को? डांस। सबको डांस, तो एक डांस हो जाए फिर। अरे क्या यार, जस्ट चिल, मस्ती करते हैं फिर, आ जाओ। किस गाने पे करें? देसी देसी ना बोला कर छोरी, रिस पे आता है देसी देस, तुम भी खड़े जाओ ना। देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। तुम इतनी प्यारी हो, क्यूट सी हो, इन लड़कियों से तो नहीं बताऊंगा, सारी को बनवा लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। बताओ, अच्छा ये बताओ तुम लोगों को शायरी पसंद है, बताओ, सुनना अच्छा लगता है? सुना दो। ये बताओ टिकटॉक कौन कौन चलाता था? सारे मुंह बंद, बंद हो अभी भी, मुंह बंद हो गए ना टिकटॉक वाले, गवर्नमेंट नहीं बैन कर दिया। तुम एक वीडियो तो चलती है ना। तुम तुम्हारा टिकटॉक? टिकटॉक ये बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ, लाइन मार रही है तुम? बोल नहीं। तुम? बाय। ओके बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, फोन है। जाओ जाओ, अच्छा जाओ। तो अब बचे चार लोग, हम बैठ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा हमको भी बैठने का कर दीजिए, हमारा बैठने का कम से कम जुगाड़ मिल गया। तुम तो देख लो हमें, कुछ भी कहो,
कुछ भी कहो एक रब्ता हो गया, कुछ भी कहो एक रब्ता आ गया, सीपी में आकर के कुछ कमाल हो गया, क्योंकि ऐसी लड़कियों से मिलकर के धमाल हो गया यार। एक लाइन और हो जाए तुम्हारे लिए स्पेशल, मेरी आग दब गई धोखे से, उसने तारों से कहा यूं महफिल में गरजना छोड़ दो, उसने तारों से कहा यूं महफिल में गरजना छोड़ दो, इन आँखों को देख कर तरसना छोड़ दो, क्या हरियाली होगी गांव की खेती में, क्या हरियाली होगी गांव की खेती में, शहर में आकर के दीवानों के गली में भूल गया, क्योंकि बद्दे गल यहाँ से चली गई, फिर भी हमने क्लैपिंग कर दिया तेरे। तो मुस्कुराहट में भी कितनी प्यारी लगती है, गुस्से में बड़ी अल्फाज लगती है, तो मुस्कुराहट में बड़ी प्यारी लगती है, गुस्से में बड़ी अल्फाज लगती है, किस्तों में कहूँ तो बहुत प्यारी लगती है। कितनी बार चुकाऊँ बताओ, एक बार दो बार तीन बार, बस जस्ट फ्रेंड, सारी हमारी दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम गर्लफ्रेंड बनाएंगे भी नहीं। यूँ ना खामोश बैठो, यूँ ना खामोश बैठो, शब्दों से ना कुछ आगोश बैठो, हम दोस्त हैं यार, चलो कॉफ़ी पी लो, आ जाओ चलो उठो, अब कॉफ़ी तो पी लो सारी कन्याएँ। ये बताओ इसमें मेरी बहन कौन बनेगी, वो तो मेरी बहन है, आज तू मेरी बहन है, ये मेरी बहन है और तुम तो मेरी दोस्त हो, ये नहीं तू बहन ही रे, ये बहन तो नहीं, बहन तो ये मेरी क्यूट सी है, और बहन जो होती तो मुझे बनना है, तुम्हें बहन बनना है, गर्लफ्रेंड किसी को नहीं बनना, नहीं वैसे मेरी एज भी ज्यादा है, तुम अंडर एज हो ना अभी, हाँ। कुछ नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं सब चीजों में, लौंडा नहीं फंसाया, लड़का नहीं बताया तुम्हें, लड़की फंसाते हो, अरे रहन दे पागल, मामला खुल जाएगा। हमारी ये बहन है अर्चना, अर्चना राखी बात नहीं, फिर कब आओगी, बुलेट है, हम तुमको अपनी बुलेट से घुमाएंगे, मेरी बहन है ये प्यारी बहन। अच्छा सुनो, तो तुम लोगों को कॉफ़ी तो हम पिलाएंगे, लेकिन ये सुन लो, वो कैमरा लगा के हम प्रैंक करते, उधर देखो कार में